हाँ, न्यूज़ नेशन वाला। मेरा नाम सुभाष शिरके है और मैं न्यूज नेशन न्यूज चैनल का ब्यूरो चीफ बोल रहा हूँ। आप कैसे कैसे डिबेट दिखाते हो ये? सुनिए सुनिए सुनिए, पहले आप मेरा नाम बताइए, आप क्या करते हो बताइए। मेरी बात सुनो, देखो जब भी कभी मैं तुम्हारा चैनल खोलता हूँ ना, आप नाम सुनो ना, नाम भी बताता हूँ, नाम भी बताता हूँ, पहले मेरी बात आप पूरी ध्यान से सुनो। हाँ, जब भी मैं तुम्हारा चैनल खोलता हूँ ना, ना तुम्हारे चैनल पे डिबेट 370 का, चलो ना तुम्हारा डिबेट आरबीआई से जो पैसा निकाला उसका आता है, ना करप्शन का आता है, ना महंगाई का आता है, ना जॉब का आता है। जब भी तुम्हारा चैनल खोलो, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, तुम लोग हिंदू मुसलमान से इतना नफरत फैला रहे हो, ये सब दिखा के, झूठी झूठी खबर दिखा के इतनी नफरत फैला, ये लोग देखते हैं न्यूज में तुम्हारा चैनल, ये डिबेट देखते हैं। और ये डिबेट के असर क्या होता है तुमको मालूम है? दोनों कौम के ऊपर, हिंदुओं पे और मुसलमानों पे। ये तुमने कभी ये कभी तुमने इसका महसूस किया है, ये क्या असर होता है अपने हिंदुस्तान के माहौल के ऊपर, क्या असर होता है इसका असर तुमने तुमने महसूस किया है कभी? तुम लोग एयर कंडीशन में बैठ के, न्यूज चैनल के अंदर बैठ के ऐसे सब डिबेट करते हो, और रस्ते पे आओ तुमको पता चले कि लोगों के दिल के अंदर कैसे माहौल और कैसी नफरत पैदा होती है, ये महसूस करो आप लोग। ये जो अमितेश देवगन है ना, ये जो अमितेश देवगन है ना, वो जिस तरह से मुसलमानों के बारे में बोलता है, मैंने बहुत सारे डिबेट के डेट आपको भेजता हूँ, आप फिर से देखना किस तरह से वो डिबेट करते हैं। आपका होने के बाद मुझे बोलने का मौका दीजिए, फिर मैं आपसे बात करूँ। हाँ, तो वही मैं बोलता हूँ, पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। हम लोग सुभाष भाई, हम लोग चाहते हैं कि डिबेट हो करप्शन पे, डिबेट हो जो ये मोदी ने 1,75,000 करोड़ निकाले उसका क्या किया, डिबेट हो हमारे इंडिया के प्रोग्रेस के ऊपर, ये सब चीज पे डिबेट हो, ना कि इंडिया पाकिस्तान, सुबह शाम इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, जब देखो वही पूरा दिन चलते रहता है। हमारे दोस्त है ना सुभाष भाई, हिंदू दोस्त है, बहुत सारे आज हमारे बचपन के, हमारे स्कूल के दोस्त है, आज हमारे दोस्ती में फर्क पड़ गया है। ये सब तुम लोग दिखा दिखा के, जिस तरह से तुम लोग ये जो करते हो ना, हमारे दोस्ती में फर्क पड़ गया है। आपकी हो गई बात? हाँ बोलो। अभी तुम हिंदू मुसलमान में फर्क पड़ना 1992 से शुरू हो गया। हाँ मानते हैं, मुझे हिंदू मुसलमान के बारे में सुनना ही नहीं है ना, अगर हिंदू मुसलमान का आपने कही, मुझे मुझे मेरी बात, चलो आप पहले पूरी बात कर लो। हाँ कर लो। 92 से हो गया। हाँ, उससे पहले हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे। मैं दादर में रहता था उस वक्त, वो मेरा पड़ोसी उस बाजू की सोसाइटी में, वो मुस्लिम था। ओके। 1993 6 दिसंबर 1992 मुंबई में दंगा शुरू हुआ, खार में शुरू, उसके पहले खार में बाला साहब ठाकरे की मीटिंग हुई। तब मैं महानगर न्यूज़पेपर में था। ओके। आईबी की रिपोर्ट थी, जो मेरे दोस्त वहां पे थे, उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें बाला साहब ठाकरे ने की है, शरद पवार के कहने। अच्छा। इसका कंसाइनमेंट जो है वेपन्स का, वो सीरा होटल के यहाँ पे उतरा हुआ था। ओके। उसका मेरे दोस्त था मरीन प्रिवेंटिव कस्टम्स में। ओके। फारूक भटाटा वाला, अगर आपने नाम सुना होगा तो मुझे पता है। फारूक भाई अब इस दुनिया में नहीं है, दाऊद के लोगों ने उनकी हत्या की। बराबर है, रेलवे स्टेशन पे उसकी हत्या हुई। नहीं नहीं कस्टडी में मारा भाई साहब। अच्छा अच्छा, ओके ओके, वो तो कुर्ला वाले का जो रेलवे स्टेशन पे हत्या हुई। हाँ कस्टडी में मारा। तो बहुत ही नेक आदमी था वो। ओके। और मैंने उस वक्त जॉइंट डायरेक्टर आईबी के थे, वहां पे उनको मिलवाया भी था। ओके। उनके पास जो चीजें थी वो मीडिया में कभी आई नहीं। देखिये मीडिया में जो आता है और हकीकत फर्क है, मैं मानता हूँ। 93 में वोटिंग लिस्ट लेकर हिंदू मुसलमानों को मारा गया। ये मुस्लिम इलाके में भी हुआ, हिंदू इलाके में भी हुआ। ओके। उसके बाद जो आरएसएस ने ये सारा खेल शुरू किया, उसको मोदी ने रिप्लिकेट किया 2002 में गोधरा में। बराबर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में एक फंडामेंटल ये चेंज आ गया इंडियन मीडिया में कि मोदी ने 10,000 करोड़ रुपया खर्च करके राइट
मीडिया में इतना पैसा दिया लोगों को। मैं आपको बताऊं कि न्यूज़पेपर में जो एडिट पेज पे आर्टिकल लिखते हैं ना, एडिट पेज पे जहाँ पे एडिट होता है उसके बाजू में, राइट, उनको वो बड़े नाम होते हैं और यानी अच्छे लोग होते हैं, उनको न्यूज़पेपर वाले खुद पैसा देते हैं लिखने के लिए, राइट, मालूम पता है, उनको पैसा दिया गया और उनको अपने बारे में ओपिनियन लिखने के लिए बोला गया। बराबर है। आज की तारीख में रिलायंस ने 67 चैनल ऑफिशियली खरीद लिए। मुझे मालूम है, करेक्ट, सही बात है आपकी। 100 से ज्यादा, सुनिए ना, मैं बात पूरी सुनने दीजिए, 100 से ज्यादा चैनल में या 122 चैनल में उनका पार्टनरशिप है। वहां पे आप पॉलिटिकल करप्शन के बारे में बात नहीं कर सकते। बराबर, ठीक है, आप मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं सकते। बराबर, ठीक है, तो बचता क्या है लोगों के पास, मीडिया के पास, तो मोदी और बीजेपी और उनका जो गुट है जिनको अडानी और अंबानी फंड कर रहा है, ये लोग जो एजेंडा देते हैं वो एजेंडा चलता है, राइट। अब मुझे बताइए, आपके पास 100 करोड़ है क्या? नहीं है। आपके पास 100 करोड़ है तो कल हम चैनल निकालते हैं और क्योंकि एक नेशनल चैनल चलाने के लिए 100 करोड़ रुपया लगता है, उसका जो टर्नओवर है सालाना वो तकरीबन 30 से 40 करोड़ रुपए का होता है। नेशनल चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा ही चैनल एक निकालना है तो 50 करोड़ रुपया उसकी लागत आती है और उसको एबीपी माजा जो डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च करता है उसको सालाना 15 करोड़ रुपया है। ओके, तो ये जो सारा गेम है, इन्होंने क्या किया है, बड़े जो घराने हैं, उद्योग घराने, उन्होंने ये सारी चीजें अपने कब्जे में ली है। आम आदमी को जो बिल्कुल असलियत से दूर रखने का ये काम चल रहा है। बराबर। ये पत्रकारों को भी यानी अच्छा लगता है ये बात नहीं है, लेकिन जो डिबेट होता है वो ऊपर के लेवल पे तय किया जाता है। पत्रकार जो है आज की तारीख में, आप देखिए, मैं 1990 से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, शाम को 5 बजे के बाद आपको पत्रकार दिखेंगे नहीं कहीं पे, किसी भी चैनल में खबर देते हुए। बराबर। तो ये जो चीज है, पत्रकार का रोल खत्म हो गया है। अभी ये जो अपने यहाँ पे अमित शाह ने जयपुर में बताया ऑफिशियली कि 36 लाख उन्होंने व्हाट्सएप कार्यकर्ता तैयार किए यूपी इलेक्शन के पहले और झूठी खबरें फैलाने का काम उन्होंने किया। आज की तारीख में मुंबई में, मैं आपको बताऊं, 52 लाख उनके कार्यकर्ता हैं जो ये सारी चीजें फैला रहे हैं। ओके, आप या कोई भी पार्टी उनको मैच करने के लिए आज सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि हर को ईडी लगा के रखा है उन्होंने। अच्छा, हर कोई, अगर आप भी व्हाट्सएप पे अगर बात करेंगे खिलाफ तो आपको मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि मुंबई ये मंत्रालय के में खास ये बनाया गया है। हाँ, उसका ये वहाँ पे चैनल मॉनिटर होते हैं और साइबर सेल में हेडक्वार्टर जो सारे हैं। हाँ, मोदी नाम अगर कहीं भी आ जाए मोदी के खिलाफ तो तुरंत वो नंबर जो है वो कैप्चर करने का, ये ट्रंप का करा हुआ है, ये ट्रंप ने किया था वहाँ पे, वो हम हमारे यहाँ पे आ रहे हैं वो। बराबर है। तो इसमें हमें बताइए कि एक देखिए, मैं मेरी पर्सनल बात में, तो लवासा प्रोजेक्ट का भंडाफोड़ मैंने किया था। अच्छा, टीवी 9 में जब मैं था, 5 दिन हमने खबर दिखाई, मालिक को लगा बहुत अच्छा है, प्रेशर आ गया, 6 दिन 37 लोगों को निकाला गया। मैंने बोला यार मैंने निकाला है, मेरी जिम्मेदारी है। बराबर, ओके। आज मेरे ऊपर 304 करोड़ का केस चल रहा है। ओके, 1.5 साल मुझे कोई नौकरी नहीं मिली भाई साहब। 1.5 साल में मेरा जो घर 12 लाख रुपए मैंने लोन लिया था ना, वो 30 लाख हो गया। अच्छा, मुझे 30 लाख फेर के अब मैंने पैसा दे के वो एनपीएस से निकालना पड़ा। तो ऐसा है कि आपको समाज मदद नहीं करता, तो ऐसे में रोल लिमिटेड हो जाता है मीडिया का, कि अच्छे लोग जो है उनके बारे में आप दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें दिखाओ और लोगों में मैसेज फैला दो कि भैया सच में क्या है। बराबर, तो ये हकीकत है। अभी बताइए आप। सर जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि चलो आपने जो भी काम किया अच्छा किया है, आपके करियर में अभी भी आप कर रहे हो,
लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि चलो ये मोदी ने, अरे इन लोगों ने ऐसा जो हेडक्वार्टर बनाया है कि उनके खिलाफ कुछ भी बोलो और हमारा नंबर ट्रेस करके हमारे पे एक्शन लेंगे, तो इसका मतलब नहीं है कि हम चुप बैठ जाए और ये लोग जो करे वो उसको करने देवे। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर हम हमारे हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो लोग करप्ट है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, तो आवाज उठाना पड़ेगा। हम आवाज उठाते हैं और तुम लोग टीवी पे गलत दिखा के हमारी आवाज को दबा देते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं आपको बताऊं। मैं आपको देखो, आपने मेरे को ब्लॉक किया है, मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो भेजूं, लेकिन आप समझते हो, देखो आप एंकर हो, आप एंकर आप समझते हो, फिर भी आप कुछ चीजें से बंधे हुए हो, आप अपनी जॉब से बंधे हुए हो, आप अपनी देखो एक बात बोलूं सुभाष भाई, देखो आप एज ए एंकर आपको अपना फर्ज अच्छी तरह से निभाना चाहिए, जैसे कि पुलिस ऑफिसर को निभाना चाहिए, मिलिट्री वाले को निभाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों की तो बात ही नहीं करता, कि वो लोग खाली झूठी कसम खाते हैं जब वो लोग शपथ लेते हैं, तो वो लोग कभी अपना फर्ज दिल से नहीं निभाते हैं, वो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। और हमारा देश का माहौल आज 5.5 साल के अंदर ऐसा हो गया है कि जिसको भी देखो, जिसको नॉलेज भी नहीं है, मैं कॉलेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कभी ऐसे चैनल देखते भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है, आज वो लोग कर बोलते हैं मुसलमान मुसलमान ऐसा है, मुसलमान ऐसा है। इसका कारण सिर्फ मीडिया है। अगर हमारी मीडिया सही फैक्ट सही न्यूज अगर दिखाए, अभी देखो मोदी जब हाउडी मोदी जब ह्यूस्टन गया अभी, बराबर है, सिर्फ मोदी 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 दिखाया, लेकिन वहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ मोदी के अगेंस्ट में वो टीवी पे नहीं दिखाया। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे टीवी चैनल नहीं दिखा रहे हैं। हाँ हो सकता है कि आप अपने जो प्रोड्यूसर है टीवी चैनल्स के, जो डायरेक्टर्स है, उनके कहने पे काम करते हो, लेकिन इसमें एक गुनाह आप भी करते हो ना सर जी, एज अ एंकर आपका भी फर्ज बनता है कि जो गलत है गलत है। भाई मैं बोल रहा हूँ ना भाई साहब, कि अगर मेरा चैनल जो है वो अगर किसी इसका इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा अगर नहीं लेता हो, ऐसा एक चैनल मुझे दिखाएगी जो इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा नहीं लेता। सबका चलता है पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट का चैनल में, सबका है, तो उसमें क्या होता ही है कि वो प्रेशर में आ जाते हैं। आज सिचुएशन ऐसी है, कांग्रेस की कम से कम कांग्रेस बोलती थी भैया लिखो भरे दिखाओ, वो किसी को जेल में नहीं डालती थी, बराबर है। यूपी में पत्रकार ने सिर्फ वीडियो निकाल के पोस्ट कर दिया, उसको जेल में डाल दिया, ये सिचुएशन है। और समाज में देखिए, समाज में आम आदमी खड़ा नहीं होता, बराबर है। कल आपके बगल में किसी को पकड़ के लेके जाए तो आप भी खड़े नहीं होंगे, आप बोलेंगे यार मेरी जान कैसे बचेगी वो मैं देखता हूँ। नहीं सर जी, मैं हर चीज के अंदर जहाँ पे सही है मैं खड़ा हो जाता हूँ। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं सर जी, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग आप जैसे लोग कम है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। चलो भले सही कम है, लेकिन एक इंसान हमारे जैसा इंसान अगर खड़ा होगा तो हमारा देख के दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, कारवा बन जाएगा। लेकिन खड़ा तो हो जाओ रस्ते पे, ऐसा हो जाना चाहिए। देखिए हम जो हमारा जो ब्लॉग है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे बोलना है वो हम बोलते हैं, क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया भी किसी का गुलाम है नहीं अभी तक। अब ये लोग उसको भी ब्लॉक करने वाले, क्योंकि आपका अकाउंट पे आधार कार्ड जुड़ जाएगा, ठीक है ना, बराबर। तो आपका नाम पता सब कुछ आ जाएगी कि आप कहाँ पे रहते हो और क्या बोलते हो। सही बात है। इसका एक फायदा ये भी होगा कि जो झूठे इन्होंने अकाउंट खोले हुए हैं वो भी पता चलेंगे। देखो इससे पहले सुभाष भाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने बैड वर्ड यूज किए आपको, और वे कह रहे गुस्सा है, और ये गुस्सा इंसान को ऐसी चीज बोलने में, ऐसी चीज करने में मजबूर कर देता है। पहले तो मैं आपको एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ फॉर व्हाट आई हैड। मेरा मानना ये है कि देखिए हम जनता लोकतंत्र में रहते हैं, डिबेट होना चाहिए, बराबर है। आपका व्यू मुझे पता नहीं, यह पसंद नहीं होगा शायद, मेरा व्यू आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन हम सभ्यता रखकर हम एक दूसरे के खिलाफ बोल सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और आज की तारीख में देश में यही नहीं हो रहा है, यही नहीं हो रहा है, सही बात है आपकी। सिर्फ इतना हो जाए ना तो भी लोकतंत्र अपना बचा रहेगा। सही बात है, सही बात है। नहीं देखो सुभाष भाई, एक आप अच्छे एंकर हो, एक अच्छे पत्रकार हो, मैं तो आपसे यही उम्मीद करूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि इस देश को बचाना है तो अच्छी पत्रकारिता करनी पड़ेगी।
नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से टीवी पे आता रहेगा, डिबेट इसी तरह से चलता रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं है सुभाष भाई कि हमारा देश है ना एक सिविल वॉर की तरफ चले जाएगा। वो ये सब जाने वाला है अगले 5 साल। हाँ, ये हमारे हाथ में है, हमको बचाना है। बड़े 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 इंडस्ट्रीज पैसा देते हैं, समझे, लेकिन हमारी आत्मा भी तो है। हमारी आत्मा भी तो हमको झंझोर झंझोर रही है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं बोलूं आपको कि यहाँ पे IAS ऑफिसर्स है, IPS है, IRS है, ठीक है, संविधान ने उनको प्रोटेक्शन दिया है कि आप कागज पे कुछ भी लिखिए फाइल में, आपको कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका तबाह होगा। सही बात है। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टर में बैठे हुए ऑफिसर्स है IRS के, बिंदास झूठी केसेस चला रहे हैं, किसी को भी उठा के। आप चिदम्बरम कभी भाग जाएगा क्या? चिदम्बरम के घर पे यानी फेंसिंग पे कूद के लोग जा रहे हैं CBI की क्या जरूरत है? क्या दिखाव करने की जरूरत है? ये तो लीगल एक्सटॉर्शन है सर जी, मैं मुझे मालूम है ना। मैं भी देखो, मैं भले लीगल पत्रकार नहीं हूँ, सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना वीडियो बना के लोगों को अवेयर करता हूँ। मैं आपको भी भेजता था सारे वीडियोस वगैरह। आप देखिए, वो जो है ना, वो उससे काम अभी नहीं चलेगा। अभी आगे जाके आप जैसे लोग है ना, उनको आप इकट्ठा कीजिए। ओके, उनको इकट्ठा कीजिए, सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाइए, हो सके तो एक वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट में ये सारी चीजें ये करने का प्रयास कीजिए। अगर उसमें से कुछ लोग पैसे देने वाले होंगे तो कम से कम विदेश में उनका सर्वर रखना पड़ेगा। ओके, वो ज्यादा खर्चा नहीं आता उसके लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे सर्वर रहेगा तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ओके, और वो खबरें जो है इलेक्ट्रॉनिक यानी वेब मीडिया की खबरें जो है वो लोगों में भेजना पड़ेगा क्लिपिंग के जरिए। करेक्ट, सोशल मीडिया के जरिए। ओके, जैसे आप अभी बोल रहे हो कि ट्रम्प का ये वीडियो है, तो ट्रम्प का वीडियो आएगा कहाँ पे? वो तो कट करके सोशल मीडिया के जरिए भेजना तो पड़ेगा ना। राइट राइट राइट, उसके लिए लोग लगेंगे। तो ऐसे लोग अगर जो व्हाट्सएप कार्यकर्ता उन्होंने तैयार की है, तो अच्छे कार्यकर्ता भी व्हाट्सएप कार्यकर्ता तैयार हो सकते हैं ना। तैयार हो सकते हैं, सही बात है। अगर वो आप तैयार करने की कोशिश कीजिए तो अच्छे जो पत्रकार है वो आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना, लेकिन पॉजिटिव करना चाहिए हमें। देखिए, निगेटिविज्म आपके दिमाग में जो है ना, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और अब तक क्या हुआ, मैं कई चीजों में फंसा हुआ था, तो इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि आपके मन में बहुत ही ये है, मेरे क्या कहते हैं, गुस्सा बहुत है, तो इसलिए मैंने सोचा आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। अरे भाई साहब, मैं महानगर में था, महानगर में 3 बार शिवसेना ने अटैक किया है। अच्छा, ओके, एक अटैक तो मेरे ऊपर भी हुआ है। ठीक है ना, तो वो मुझे उसमें मैं परहेज नहीं है, क्योंकि अगर आप पब्लिक लाइफ में हो तो आपको लोग अच्छा बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे, सुनने की ताकत रखनी पड़ेगी। सही बात है, करेक्ट करेक्ट है ना, सब लोग अच्छे आपको नहीं बोलेंगे ना। राइट राइट, तो ये मैं मानने वाला हूँ, तो इसलिए अगर आपके कुछ लोग होंगे उनको अगर मीडिया के बारे में कुछ बात करनी है तो मैं जरूर आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप लाइक माइंडेड लोगों को तैयार कीजिए। ओके, ऐसे ही छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे तभी कुछ फायदा होगा। ओके सर, अभी भी इसकी कोशिश मेरी जारी रहेगी सर जी। ठीक है भाई, ओके सर, थैंक यू। आपका नाम नहीं बताया, क्या करते हैं? जोहर है नाम मेरा, जोहर वजीर। एक्चुअली आई एम इन द फील्ड ऑफ, देखो ये तो मैं करते ही रहता हूँ एज अ सोशल वर्क, लोगों को अवेयरनेस करना। दूसरा मेरा रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का है मेरा। कहाँ पे? मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का वर्कशॉप है मोहम्मद अली रोड पे। अच्छा, और हमारा शोरूम है भिंडी बाजार पे रेडीमेड गारमेंट का। अच्छा, ये मेरे छोटे भाई वो लोग सब हैंडल करते हैं। और रेडीमेड गारमेंट यानी कपड़े बना के बेचते हैं अभी? नहीं नहीं, रेडीमेड मतलब कॉस्ट्यूम, अपना वेडिंग ड्रेसेस, जोधपुरी शेरवानी वो सब। अच्छा, वेडिंग ड्रेस बड़ों का रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस। और हमारा वर्कशॉप है वो मोमडल रोड पे है एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, मेक टू ऑर्डर वेडिंग ड्रेसेस वगैरह सब। तो GST का कितना असर हुआ है आपके ऊपर? बहुत सारा असर हुआ है, सारे व्यापारियों पे हुआ है। लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है? नहीं, गुजराती मारवाड़ी जो भी है ना, कोई बात नहीं कर रहा। नहीं करते अभी उन लोग को असर आ रहा है ना, अभी आहिस्ते आहिस्ते वो लोग बोलना चालू हो गए, जो बैंक करप्ट हो रहा है, बैंकें बंद हो रही है, जॉबलेस हुए सब, जितने कितने लाखों लोग
अभी जो लोग मोटी मोटी करते थे, ये लोग मोटी मोटी करते थे, अभी ये लोग बोलना चालू करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, 2 साल ये मंदी उठने वाली नहीं है। बराबर, ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म मंदी है ये अभी सर जी। लेकिन लेकिन भाई साहब, उसमें कितने लोगों की बर्बाद हो जाएंगे, लोग हो जाएंगे। सही बात है। तो वही है ना कि ये यानी कोई एक आदमी जो है अपने शौक के लिए कई लोगों को बर्बाद किया 1944 में, है ना, 10 करोड़ लोग मर गए पूरे विश्व इसमें, यूरोप में। तो ऐसा ही होगा। अभी क्या करे, देखो अभी हमें तो सोच समझ के चलना है, गवर्नमेंट क्या है सबने समझ लिया है, अभी वो हिसाब से हमें चलना है, किस तरह से चलना है अभी हमको वो सब बनाना पड़ेगा, उसका पूरा रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। अभी कांग्रेस वाले तो इनके बाप है, वो तो अभी बोल रहे हैं कि हमें मोदी ने सब कुछ सिखाया। तभी सीख के वो लोग ऐसा ही करेंगे ना आने वाले इलेक्शन में, तो बीजेपी की चाल चलेंगे। आज आपने खबर देखी, आज 400 फाइलें निकाली उन्होंने सेक्स रैकेट की, मध्य प्रदेश में। आरएसएस के सारे बड़े लीडर उसमें है, मालूम है, सारे आरएसएस के लीडर उसमें है, ये सब बीजेपी के भी बहुत सारे लीडर्स के नाम आएंगे ऐसे ऐसे। और भी देखो, रेप के कितने केसेस बाहर आते हैं सर जी। ठीक है सर, मैं आपसे मिलूंगा एक दिन, आइए ऑफिस में चाय पीने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा सर जी आपको मिलना। ओके सर, थैंक यू। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे